टी20 वर्ल्ड कप को मिला है एक नया चैंपियन, क्योंकि आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का टाइटल जीता है न्यूजीलैंड की टीम ने, और अमेलिया गेर का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त था इस फाइनल में। तो इस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और हाँ ये भी डिस्कशन करेगी क्या साउथ अफ्रीका की टीम चोक कर गई। तो बने रहो वीडियो के एंड तक, चलो शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो भाई आखिरकार वो जो स्ट्रीक था ऑस्ट्रेलिया की टीम का वो टूट गया, क्योंकि सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे, और यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत ही जबरदस्त कन्विंसिंगली इस फाइनल को जीता। लगातार 10 टी20 हार कर आ रहे थे इस वर्ल्ड कप में, किसी ने सोचा नहीं था कि न्यूजीलैंड की टीम फाइनल भी जाएगी, टॉप फोर में क्वालिफाई करेगी, ये भी भाई किसी ने सोचा नहीं था। ये लोग फाइनल गए, ये लोग जीते, और क्या फेरी टेल फिनिश था यहाँ पे सोबी डिवाइन की कैप्टनसी करियर का, क्योंकि हाँ उसने रिजाइन कर दिया है। अभी टी20 इंटरनेशनल में कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी इसका बोल नहीं सकते, करेगी होपफुली, लेकिन हाँ कैप्टनसी उसने छोड़ दी है, और बहुत ही जबरदस्त फेरी टेल एंडिंग था ये। पूरे मैच के बारे में इन डिटेल बात करें तो देखो टॉस जीता था यहाँ पे साउथ अफ्रीका के कैप्टन लॉरा वुलवार्ड ने, और उसने बॉलिंग फर्स्ट करने का फैसला किया था। कहीं ना कहीं ये डिसीजन उसके लिए बहुत ज्यादा बैकफायर किया, क्योंकि ये चेस करते हुए ही मैचेस जीत रहे थे, लेकिन फाइनल में ही चेस करना आसान नहीं होता यहाँ पे, और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स का अपर हैंड बहुत ही ज्यादा था। मैंने प्रीव्यू वीडियो में इसके बारे में बात किया था कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग वर्सेस न्यूजीलैंड की बॉलिंग के बीच में मैच होगा और हमको एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं वही हुआ। हाँ थ्रिलर मैच नहीं हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो न्यूजीलैंड की शुरुआत जो थी बढ़िया शुरुआत थी, लेकिन विकेट गिरते रहे। 10 ओवर मार के ऊपर 74-3 पे थे न्यूजीलैंड की टीम, वहां पे उनकी सुजी बेट, जॉर्जिया प्लिमर, सोफी डिवाइन ये आउट हो चुके थे। एमिलिया केर थी लेकिन वो टाइम नहीं कर पा रही थी बॉल को सही से, लेकिन उसने विकेट अपना थ्रो नहीं किया। ब्रूक हेलिडे के साथ एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप निभाई, एक अच्छे टोटल तक गई, फिर उसके बाद उसने भी अच्छा वहां पे हिटिंग कर दिया, और हमको फिनिशिंग देखने मिली मैडी ग्रीन की। लेकिन एमिलिया केर की वो जो पारी थी 45 रन की, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ग्रीटी नॉक थी। ब्रूक हेलिडे ने हिटिंग करने का काम किया था, लेकिन किसी एक का वहां पे टिकना जरूरी था, और वो एमिलिया केर ने काम कर दिया था। और ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त अच्छा स्कोर था फाइनल में इसको डिफेंड करने के लिए। 158 लगा था बोर्ड के ऊपर न्यूजीलैंड की तरफ से, और 159 का टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका की टीम को। साउथ अफ्रीका की अगर बॉलिंग की बात करें तो 2 विकेट मिले थे एम लाबा को, और एक एक विकेट मिला क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टारगेट था वुमेन्स क्रिकेट को अगर देखा जाए तो, स्पेशली जो पिच थी यहाँ पे रन स्कोरिंग उतना आसान नहीं था। साउथ अफ्रीका की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त थी, 47 रन लगाए थे उन्होंने पावर प्ले के अंदर, एक भी विकेट गवाया नहीं था। उस वक्त पे ऐसे लग रहा था साउथ अफ्रीका इसको चेस कर देगी, लेकिन वहां पे स्पिनर आना अभी तक बाकी थे, एमिलिया केर आना बाकी थी। वहां पे पहला विकेट गिरा टैस्मिन ब्रिट्स का, उसके बाद प्रेशर बढ़ता गया, लॉरा वुलवार्ड आउट होगी क्योंकि एने के बॉस थोड़े ज्यादा ही डॉट बॉल खेल रही थी दूसरे एंड पे, और उसी ओवर में एने के बॉस भी आउट हुई। दोनों विकेट निकाले किसने, एमिलिया केर ने। और एमिलिया केर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात करना जरूरी है, जब वो बॉलिंग कर रही थी वो 100% फिट नहीं लग रही थी, क्योंकि वो फील्डिंग करते हुए गिर गई थी, उसको क्रैम्प आ रहे थे और वो लिंप कर रही थी, क्लियरली हमको दिख रहा था वो स्ट्रगल कर रही थी बॉलिंग करते वक्त, लेकिन उसने अपना 100% फिर भी दिया। यही बातें होती है जो किसी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाते हैं और वर्ल्ड चैंपियन नहीं होते, उनके बीच में कहीं ना कहीं यही डिफरेंस होता है उनके प्लेयर्स कितना एफर्ट डालते हैं। जैसे ही एने के बॉस का विकेट गिरा 64-3 से लेके वहां पे से लगातार उनका कोलैप्स होते गया। मेरी जेन कैप, नेडिन डिक्लर, क्लोई ट्रायन में से कोई भी लंबा स्कोर नहीं बना पाया। 20 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 126 बना पाई 9 विकेट के नुकसान पे, और 32 रन से यहां पे न्यूजीलैंड ने इस फाइनल को जीता, और टी20 वर्ल्ड कप पे एक नया हमको विनर मिल गया। 3 विकेट मिल गए थे रोजमेरी मेयर को, 3 विकेट मिले थे एमिलिया केर को, और एक एक विकेट मिला था ब्रूक हेलिडे, ईडन कार्सन और फ्रैंक जोनस को। मैंने बोला था यहां पे स्पिनर्स बहुत अच्छा करेंगे न्यूजीलैंड की टीम के, इवन रोजमेरी मेयर के बारे में भी मैंने बोला था कि इसको पिछले मैच में विकेट नहीं मिले लेकिन ये अच्छा कर सकती है, उसने अच्छा किया। मेरी मेयर के बारे में बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो कैंपेन रहा था टी20 वर्ल्ड कप का ये बहुत ही जबरदस्त रहा था, ये कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रही थी, और यहां पे भी उसने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले हैं। प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया एमिलिया केर को, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी एमिलिया केर ही बनी, सबसे ज्यादा विकेट निकाले उसने इस टूर्नामेंट में, 15 विकेट्स निकाले, और ये हाईएस्ट है किसी भी एडिशन के वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में, तो बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं।
मोस्ट रन थे लॉरा उलवार्ड के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी टीम यहाँ पे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। एक फेरी टेल एंडिंग हमको देखने मिली सोफी डिवाइन की कैप्टनसी की, क्योंकि सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स और लिया तहुहु, ये जो यहाँ पे लेजेंडरी प्लेयर्स थे न्यूजीलैंड के, ये बहुत टाइम से खेल रहे थे और इनके हाथ में वर्ल्ड कप आया नहीं था। सूजी बेट्स और सोफी डिवाइन तो पहले एडिशन से खेल रहे और पहले दो एडिशन में ये लोग फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन वहां पे दोनों बार इनको हार का सामना करने मिला था। 14 साल तो ये लोग फाइनल तक भी नहीं पहुंचे थे, 14 साल के बाद जैसे ये लोग फाइनल में पहुंचे वहां पे कोई गलती नहीं की इनके टीम ने, इनको यहाँ पे विनर बनाया। लेकिन अब बात रहती है साउथ अफ्रीका की टीम की, क्या साउथ अफ्रीका की टीम ने यहाँ पे चोक किया? तो मेरे को तो ये पर्सनली नहीं लगता कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम ने चोक किया। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, आप पूरी तरह इंटरनेट के ऊपर देखोगे कि साउथ अफ्रीका के मेंस ने चोक किया, साउथ अफ्रीका के वुमेन्स ने चोक किया, लेकिन ऐसा क्यों है भाई? न्यूजीलैंड क्या अच्छा नहीं खेली? क्या इंडिया की मेंस टीम अच्छा नहीं खेली? ये हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जो ओपोनेंट होते हैं वो ज्यादा बेटर क्रिकेट खेलते हैं साउथ अफ्रीका से? इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मैच जीते हैं, जो वर्ल्ड कप विनर्स हैं, उनको सही से अप्रिशिएट ना करो, बल्कि उनको ट्रोल करो जो मैच हार गए। वो इंटेंशनली मैच नहीं हारता यार, वो घर के ऊपर कप नहीं लेके जाने वाले, लेकिन बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे बैक टू बैक फाइनल्स खेलने का, और बिलीफ लेके जाएंगे कि अगर वो यहां तक इतना पहुंच सकते हैं तो आगे एक और स्टेप भी वो जा सकते हैं। साथ ही बहुत सारा इंस्पिरेशन भी मिलेगा वहां के जो नए लड़के और लड़कियां होंगे जिनको क्रिकेट खेलना होगा, क्योंकि इनके लिए फाइनल खेलना भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर मेरे बातों में सेंस लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच 900 सब्सक्राइबर करने के लिए। अब आगे बढ़ना है 1000 सब्सक्राइबर करने जल्द से जल्द, तो उसमें आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो सब्सक्राइब बटन के ऊपर आप अमेलिया केर की गुगली फेंको या फिर सोफी डिवाइन का सिक्स, मेरे को नहीं मालूम, हो जाना चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इंडिया का अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है न्यूजीलैंड के सामने, तो सेकंड टेस्ट का प्रीव्यू इस चैनल के ऊपर आएगा, रिव्यू भी ऑलरेडी आ गया होगा। अगर उसको मिस आउट नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं आपको अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम में, तब तक ख्याल रखो अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।